आइए जाने मोर के बारे में कुछ खास बातें। जिस तरह से राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रगीत है, राष्ट्रध्वज है, उसी तरह मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, जो अपनी सुंदरता और नृत्य के कारण पक्षियों में श्रेष्ठ माना जाता है। मोर के सर पर स्वाभाविक रो में कलंगी बनी हुई होती है। मानो विधाता ने उसे सहज मुकुट पहनाकर राजा बनाकर इस धरती पर भेजा हो। आकृति में भी इसकी बराबरी अन्य पक्षी नहीं कर सकते। शुतुरमुर्ग बड़ा अवश्य होता है, पर वह भारत में नहीं होता। मोर या मयूर, कुछ लोग मोर को पालते भी हैं। मोर को सावन या वर्षा ऋतु विशेष प्रिय होती है। आकाश में छाए काले बादलों को देखकर वह नाचने लगता है। इस नाच में उसकी प्रिय मोरनी भी उसका साथ देती है। मोर की आवाज तेज और मधुर होती है। मोर का वर्णन पूरे भारतीय साहित्य में मिलता है। देवताओं में कार्तिकेय का मोर ही वाहन है। इसका किसी पक्षी से वैर विरोध नहीं होता, किंतु इसकी शत्रुता सर्प से, सांप से होती है। यह सांप को मारकर निगल जाता है। मोर की श्रेष्ठता का प्रमाण यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने मोर पंखों का मुकुट बनाया था। मोर जब खुद भगवान को प्रिय है, तो मनुष्य को प्रिय क्यों नहीं होगा। लोग मोर पंख अपने घर एवं पुस्तकों में भी रखते हैं। मान्यता के अनुसार मोर पंख रखने से सर्प का भय नहीं होता। प्राचीन काल में कलाकृतियों में मोर के चित्र मिलते हैं। आज भी घरों की दीवारों पर मोर की आकृति बनाई जाती है। मोर पंखों का उपयोग दवा में भी किया जाता है। मंदिर में या पूजा पाठ में मोर पंख का सदा उपयोग होता है। मोर पंख के ही पंखे झुलाए जाते हैं। इस प्रकार मोर राष्ट्रीय पक्षी के साथ साथ हमारा धार्मिक और सांस्कृतिक पक्षी भी है। आइए जाने मोर के बारे में कुछ खास बातें। मोर की क्या आदतें होती हैं, इसके घोंसले और भोजन के बारे में, खासकर मोर के संभोग के बारे में, क्योंकि कुछ लोग अज्ञानतावश या अपने आप को विद्वान घोषित करने के लिए आजकल सोशल साइट्स पर मोर के बारे में ऊटपटांग तथ्य लिखकर लोगों को भ्रमित कर देते हैं। यहाँ तक लिख रखा है कि मोर संभोग नहीं करता, बल्कि मोर के आंसू को पीकर मोरनी गर्भ धारण कर लेती है, जो कि पूर्णतः असत्य, अनैतिक और झूठ है। कुदरत ने हर जीव में नर मादा बनाया है। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, नई पीढ़ी की उत्पत्ति के लिए हर नर मादा का मिलन जरूरी होता है। विज्ञान भी इसी आधार को मानता है। जैसे हर जीव संभोग करता है, वैसे ही मोर भी मिलन करता है। मोर पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है। इसे नदी, जल स्रोत के पास वाले इलाके, जंगल ज्यादा पसंद है। और भावनात्मक तौर पर भारत के गांव में जो इन्हें स्नेह मिलता है, उसके तहत ये निडर होकर गांव की गलियों में भी घूमते रहते हैं। कई बार शहरी इलाकों में भी आराम से सड़कों पर इन्हें टहलते देखा गया है। यहाँ तक कि सड़क पर मोर के आ जाने से ट्रैफिक तक को रोक दिया जाता है। मोर ज्यादातर समूह में रहना पसंद करते हैं। इंसानों की तरह मोर को भी वैरायटी फूड पसंद है। कई बार ये खेतों में नुकसान भी कर देते हैं, लेकिन किसान के सहायक होते हैं, क्योंकि कीट पतंगे फसल को नुकसान करने वाले जीवों को ये खा जाते हैं। मोर की आवाज को कई किलोमीटर दूर से सुना जा सकता है। जब इसे मोरनी को आकर्षित करना होता है, तब यह अपने पंख फैलाकर बड़ा सुंदर मगर धीमी गति का नृत्य करता है। इसके नृत्य को देखकर मानव इतना प्रभावित हुआ कि मयूर नृत्य को हमारे नृत्य में शामिल कर लिया गया।